ज्योतिरादित्य सिंधिया को ध्यान से देखिए, देखिए कैसे उन्होंने नींबू और मिर्च की माला गले में पहनी हुई है। सिंधिया की ये माला अब सियासत का नया मुद्दा बन गई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुकान अब बंद हो रही है, लिहाजा वो जादू और टोने पर उतर आई है। कांग्रेस टोटकों और जादू टोने की राजनीति पर उतर आई है। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब दुकान बंद हो जाती है और बिक्री नहीं होती तो लोग अपनी दुकान के आगे नींबू और मिर्च की माला टांग देते हैं। तो सिंधिया जी को भी किसी ने कह दिया कि अपनी दुकान चलानी हो तो गले में नींबू और मिर्च की माला डाल लो, दुकान चल पड़ेगी, पर अब ऐसा कुछ होगा नहीं। बीजेपी के इस तंज पर ज्योतिरादित्य भी हमलावर हैं। ज्योतिरादित्य की माने तो जब तक उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं करती तब तक वो फूलों की माला से परहेज करते रहेंगे। मैंने फूल की मालाओं को त्याग किया है जब तक हम भाजपा, मेरी बात तो सुन लीजिए, जब तक हम भाजपा की सरकार को उखाड़ के ना फेंके मैं कहीं भी फूल की माला नहीं ले रहा हूँ। अब जब मैं फूल की माला नहीं ले रहा हूँ, कोई मुझे सूत की माला दे रहा है तो मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ, कोई मुझे फल की माला दे रहा है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, कोई मुझे भिंडी की माला दे रहा है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, कोई मुझे मिर्च और नींबू की माला दे रहा है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तो सबकी माला स्वीकार कर रहा हूँ। अब उसमें आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सियासी लड़ाई अभी जुबानी तौर पर लड़ी जा रही है और इसके लिए नेता ऐसे हर वो बयान दे रहे हैं जिससे विपक्ष की धार कुंद हो। रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।